हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? ठीक ठाक हो सब? कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखो, आज मैं क्या लाया हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन तो कर दिया बिल्कुल फिनिश, राइट। और अब मैं चैप्टर के लास्ट में जा रहा हूं और पढ़ाऊंगा आपको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चैप्टर का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है। मैं एक दो या तीन वीडियोस में इसको कवर करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा और मैं आपको वो सारी चीजें कार्बोक्सिलिक एसिड में बताऊंगा जो मौजूद है, किताबों में लिखी है, जो आपको समझनी है और क्या क्या चीजें इससे पूछी जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड के पोर्शन से, क्या क्या बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज हम कराएंगे। एक नेम रिएक्शन भी आएगी, उसको भी मैं आपको समझा दूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसका नाम है हेड वर्ल्ड हार्ड जेरेंसकाई रिएक्शन, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग लगा लो कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? सी डबल ओ एच मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में और वो करेक्ट होगा या तो एल्काइल से या किसी बेंजीन रिंग से, एराइल ग्रुप से। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। इसको अगर हम आगे खोले तो ये खुलेगा C डबल बॉन्ड ओ एच और R या AR। तो आइए सबसे पहले इसको प्रिपेयर करते हैं कि इसको प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के क्या मेथड्स होते हैं। स्टार्ट करें अपना लेक्चर। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के मेथड्स क्या क्या हैं? तो एक दो मेथड देखो। पहले स्टार्टिंग में देखो, एक होता है कि अगर मेरे पास में कोई 1 डिग्री अल्कोहल हो, क्या हो, 1 डिग्री अल्कोहल हो, तो मैं उसका ऑक्सीडेशन करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर आपकी तरफ फेंक दूंगा। समझ में आ गया? देखो यहां से, देखो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा? कौन सा जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप यूज करोगे यहां पर? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या यूज करोगे? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक SiB। और आप यूज कर सकते हो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्या यूज कर सकते हो? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द एसिडिक मीडियम H2SO4 की प्रेजेंस में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को लोगे। इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जोन्स रिजेंट। क्या कहते हैं? जोन्स रिजेंट, एसिडिक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसको जोन्स रिजेंट। और ये हमारा बहुत ही जाना पहचाना प्यारा सा एक कंपाउंड है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। तो ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। बस मुझे क्या करना है, हमें प्राइमरी एल्कोहल में इनको डालना है और जैसे डालोगे तो इनका काम क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। रिएक्शन कराए, यहां पर लिया मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। देखो प्यारे बच्चों, जिसमें CH2OH ग्रुप आ जाए अल्कोहल में, 100% वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। और यहां पे लगा दिया मैंने पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, या लगा दिया मैंने जोन्स रिजेंट, कुछ भी लगा दो। तो ये प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप जो होगा वो सीधा का सीधा ऑक्सीडाइज कर देना सी डबल ओ एच में। किसमें? सी डबल ओ एच में। पैतरा काम करना, CH2OH को कन्वर्ट करना है सी डबल ओ एच में। हो गया ऑक्सीडेशन, बहुत इजी है, राइट। आइए एक दो रिएक्शन कर दे इसको पर। हमने लिया CH3CH2OH, ये क्या मेरे पास इथेनॉल है। मैंने इसमें डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, क्या बनेगा CH3COOH, इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड, यानी इथेनॉल से क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गया? मेरे पास अगर प्रोपेनॉल हो CH2CH2CH2OH, इसको मैंने जोन्स रिजेंट से ऑक्सीडाइज कर दिया, कोई सा भी ले सकते हो, ये बनाएगा CH3CH2COOH प्रोपेनॉइक एसिड। तो प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉइक, इथेनॉल से इथेनॉइक, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉइक, पेंटेनॉल से पेंटेनॉइक, हेक्सेनॉल से हेक्सेनॉइक, कोई सा भी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हो
सब के सब ऑक्सीडाइज किसमें होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सब, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीडाइज होगा 1 डिग्री एल्कोहल इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, मिटा दे इसको, ठीक है। और देखो सेकेंड मेथड है, बहुत ही खूबसूरत मेथड है, देखो यहां से इजी है, आसान है। देखो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड हो, क्या हो, एल्डिहाइड हो, और मुझे भैया उसको ऑक्सीडाइज करना हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो मैं क्या यूज करूंगा, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा लो, एक जैसे क्रोमिक एसिड उठा लिया, CrO3 उठा लिया, और CrO3 को उठाकर आप एल्डिहाइड में डालो और एल्डिहाइड फटा किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो RCHO ये मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड, राइट, क्या है मेरे पास, एल्डिहाइड, CHOR आ रहा है, इसमें एल्डिहाइड है, इसमें डाला मैंने क्रोमिक एसिड CrO3, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जहां कहीं भी एल्डिहाइड हो उसको कन्वर्ट करना है COOH में, किसके द्वारा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। रिएक्शन बना एक दो, हमने लिया CH3CHO इथेनल, क्या लिया, इथेनल, मैंने डाला क्या इसमें, क्रोमिक एसिड डाल दो जी, क्या मिलेगा आपको, COOH मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इथोनाइक। मेरे पास है प्रोपेनल CH3CH2CHO, इसमें डाला मैंने क्रोमिक एसिड, मिलेगा क्या आपको, प्रोपेनोइक मिलेगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को, दो मेथड हमने कंप्लीट कर दिए, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बाय यूजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन से बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट करें, से छाप लिया, मिटा दे इसको, ठीक है। देखो तीसरा मेथड, देखो जल्दी जल्दी देखो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा मेथड है हमारा, बहुत अच्छा मेथड है, बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। ओहो, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिजेंट है ये, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड एजेंट। एक साइंटिस्ट थे हमारे विक्टर ग्रिग्नार्ड, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1919 में, और इस डिस्कवरी के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए देखो क्या करना है इसका, देखो भैया इसको करना है, ग्रिग्नार्ड एजेंट को ऐड करना है, कहां ग्रिग्नार्ड एजेंट को ऐड कर दो, किस पर ऐड करो, ड्राई आइस पर, किस पर, ड्राई आइस पर, ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पर ऐड कर दो, आपका बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ध्यान से, CO2 ले लो, COO2, COO ये आ गया, COO यानी CO2, इस पर लिया मैंने ग्रिग्नार्ड एजेंट RMGX, राइट, ऐड कैसे करो, ध्यान से देखो, दो पार्टों में तोड़ो इसको, फटाफट ऐड कर गया, R अलग MGX अलग, सुन लिया। अब क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, R को उठाकर जोड़ो C पर, और MGX को उठाकर जोड़ो O पर, इस O पर जोड़ दो या इस O पर जोड़ दो, किसी एक ऑक्सीजन पर जोड़ना है MGX को, और R को जोड़ना है C से, कोई प्रॉब्लम किसी को, जोड़ के दो, C डबल बॉन्ड O, R के साथ C जुड़ा, O के साथ MGX जुड़ा, जुड़ गया, डबल बॉन्ड का सिंगल आ गया, ये एक इंटरमीडिएट बना जी, क्या बना, इंटरमीडिएट। इसके बाद में क्या करोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस, क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, वाटर से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या निकालोगे बाहर, यहां से निकाल दो MgOHX बाहर निकाल दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बाहर निकाल दो, और जो H बचा उसको O के साथ लाकर जोड़ दो, OH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और R, क्या है देख के बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, क्या ये, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट करें इसको, देखो अगर मैं यहां पे लेता हूं मिथाइल CH3, जरा देखना ध्यान से, देखो अगर मैं लेता हूं यहां पर R में मिथाइल, मिथाइल मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो क्या बनेगा, यहां पर मिथाइल आएगा, इसका नाम बनेगा CH3COOH यानी इथोनोइक एसिड। यहां लेता हूं अगर मैं इथाइल
राइट, तो यहां पर क्या आएगा, इथाइल आएगा CH2CH3, तो कितने कार्बन की चेन बन जाएगी, CH3CH2COOH यानी प्रोपेनोइक एसिड। तो जैसा भी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो उसके हिसाब से मैं आर लेकर चले जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक, बढ़ा दें इसको, देखो कुछ रिएक्शन भी कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। देखो अगर मुझे बनाना हो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या एरोमेटिक, तो यहां पर मैं लूंगा ग्रीन एजेंट कौन सा, बेंजी रिंग से एमजी कनेक्ट करके, एमजी कनेक्ट कर, एमजी बीआर ले लो, एमजी सीएल ले लो, कुछ भी ले लो। ये है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका, ना फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी हमारा क्या है ग्रीन एजेंट, ये भी आर एम जी एक्स, ये C6H5MgBr, ये भी ग्रीन एजेंट होता है। इसमें आर क्या बेंजी रिंग, इसको जोड़ो सी से और MgBr को O से, जोड़ के लिख दो क्या बना, सी डबल बॉन्ड सॉरी COMgBr डबल बॉन्ड O बेंजी रिंग, राइट, इस तरह से बना ली हमने। उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, वाटर से रिएक्शन कर दो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कर दो, यहां से निकाल दो MgOHBr बाहर, राइट, समझ में आ गया इतना। और यहां पर हम H को कनेक्ट कर दो O के साथ, लाकर बनेगा OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, क्या बनाई, बेंजोइक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अगर ग्रीन एजेंट में लेता हूं एल्काइल तो मुझे मिलता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल ओ एच, और अगर मैं यहां लेता हूं ग्रीन एजेंट में बेंजी रिंग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो मुझे मिलता है क्या, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम है बेंजोइक एसिड, क्या नाम है बेंजोइक एसिड। कोई प्रॉब्लम है किसी को, मिटा दें इसको। देखो तीन मेथड हमने कंप्लीट कर लिए, चौथा मेथड देखो, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का कर दो हाइड्रोलाइसिस, क्या कर दो हाइड्रोलाइसिस कर दो ईस्टर का, कराओ ईस्टर ले लो, ईस्टर क्या होता है C डबल ओ आर, ये होता है ईस्टर RC OR ईस्टर, इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, क्या कर दो हाइड्रोलाइसिस, H2O से रिएक्शन करा लो इसकी, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, राइट, समझ में आ गया, क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा एल्कोहल एक मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कहां से बॉन्ड काटोगे, रिएक्शन कैसे होगी, यहां से बॉन्ड काटो, काट दिया, RO अलग हो गया, RCO अलग हो गया, RO को ले जाओ वाटर के H के साथ, ये बन जाएगा ROH यानी कि एल्कोहल, RCO को ले जाओ OH के साथ, क्या बन जाएगा RCOOH, क्या बनाना था हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर तैयार हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये क्या था हमारा ईस्टर था। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आई ना, अगर बनाना हो मुझे एरोमेटिक क्या करना पड़ेगा, CO को जोड़ दो बेंजीन रिंग से, CO को जोड़ना पड़ेगा बेंजीन रिंग से ऐसे करके, R प्लस H2O प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2O4, राइट, यहां से बॉन्ड काटो, RO को ले जाओ किसके साथ, H के साथ, क्या बना ये एल्कोहल ROH, प्लस C6H5CO को ले जाओ OH के साथ, क्या बना C6H5COOH, ये बना मेरा बेंजोइक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जब किसी ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो वो ईस्टर हमको दो कंपाउंड देगा, एक देगा एल्कोहल एक देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई प्रॉब्लम है तो किसी को, बता दे इसको, और देखो अब अगला मेथड है हमारे पास बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करके आप बना सकते हो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है RCOCl, क्या होता है RCOCl, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस किया वाटर के साथ
बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये, HCl बाहर निकाल दिया और RCO को जोड़ दिया OH के साथ, ये बन गया RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये दिया है। फिफ्थ सिक्स्थ मेथड ध्यान से देखो, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्राइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करके, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOCOR, यानी कि दो RCO, एक RCO इधर एक RCO इधर, बीच में ऑक्सीजन डाल दिया, राइट। ये है हमारा एनहाइड्राइड, क्या है ये एनहाइड्राइड, इसका मैंने पानी से रिएक्शन कराया, हाइड्रोलाइसिस किया इसका, बॉन्ड काटो यहां से, कैसे काट दो, यहां से काट दो, यहां से काट दो, बात एक ही है, कैसे काट दिया, इस RCO को ले जाओ OH के साथ, हमेशा ले जाओ, क्या बना RCOOH प्लस, इधर बचा RCOO, इधर बचा H, ये भी बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, यानी आपके पास में अगर कोई एनहाइड्राइड है और उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो आपको दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल। अगर दोनों एल्काइल सेम है तो मिलेंगे दोनों मॉलिक्यूल सेम, दोनों एल्काइल अगर डिफरेंट है तो मिलेंगे आपको डिफरेंट। चला ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिया है यहां पर, मिटा देता ऊपर वाला, ध्यान से देखो, अगर मैं ले रहा हूं सी एच थ्री सी डबल ओ ओ सी एच सी डबल बोन ओ सी एच टू सी एच थ्री, ये दोनों एल्काइल डिफरेंट है, अब आपका इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, बॉन्ड कहीं से काट दो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से काटो इधर से काटो, इसको जोड़ो OH के साथ, यानी एक को OH के साथ एक को इसके साथ H के साथ, ये जोड़ा, यानी इसको जोड़ दिया आपने OH के साथ, ये बन गया आपका सी एच थ्री सी एच टू सी डबल ओ एच, इधर क्या बचा सी एच थ्री सी डबल ओ और एच, प्लस दूसरा बना सी एच थ्री सी डबल ओ ओ एच, यानी एक मिला आपको इथेनोइक और एक मिला आपको प्रोपेनोइक, डिफरेंट मिले क्योंकि डिफरेंट एल्काइल कनेक्ट थे, समझ में आ गया। मैं लेता हूं एक सी सिक्स एच फाइव बेंजीन रिंग सी डबल ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, डिफरेंट एल्काइल से, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया मैं पानी से, अब भी डिफरेंट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यहां से बॉन्ड काटा इसको ले गए OH के साथ, याद रखो RCO को OH के साथ ले जाना, सी एच थ्री सी डबल ओ ओ एच प्लस सी एच सी सिक्स एच फाइव सी डबल ओ एच, डिफरेंट मिले, एक मिला बेंजोइक एक मिला इथेनोइक, डिफरेंट मिले, समझ में आ गया। और अगर मेरे पास सेम होते, क्या हो सेम सी एच थ्री सी डबल ओ ओ सी एच थ्री सी डबल ओ प्लस एच टू ओ, यहां से बॉन्ड काटा ओ एच के साथ उड़ा देंगे इसको, क्या मिला सी एच थ्री सी डबल ओ एच मिला, प्लस सी एच थ्री सी डबल ओ एच मिलकर यही बना लेगा सी एच थ्री सी डबल ओ एच, दोनों कैसे हमारे सेम है, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक, नोट करो इसे, छाप लिया छाप लिया, मिटा दो। ध्यान से देखो एक चीज तो निकल कर आई, क्या निकल कर आई, अगर हम ईस्टर का करते हैं हाइड्रोलाइसिस या एसिड क्लोराइड का करते हैं हाइड्रोलाइसिस, राइट, या फिर एनहाइड्राइड का करते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस तीनों का करो आप, राइट, हमेशा क्या मिलेंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, क्या मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, ये याद रखना फॉर्मूला एक तरह का ही। इसमें ऊपर वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ आपको एल्कोहल भी मिलेगा, क्या मिलेगा एल्कोहल, और इसमें केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेंगे दोनों में, नष्ट करो, इसमें एस्टोसफोर की प्रेजेंस में रिएक्शन चलाएगी, इसमें कोई रिएक्शन चलाने की जरूरत नहीं है किसी प्रेजेंस में, सीधा पानी से हाइड्रोलाइज कर दो, बढ़ा दे इसको, कोई प्रॉब्लम आता किसी को। अब देखो एक और मेथड है हमारे पास,
बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करके, इसका एल्काइल बेंजीन का, इससे हमेशा क्या मिलेगा आपको पता है, इससे हमेशा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देगा ये, प्रोवाइड विच एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, जैसे बेंजोइक एसिड, ये देगा आपको। कैसे करानी है रिएक्शन, ध्यान से देखो, ये लिया मैंने बेंजीन रिंग और इस पर जोड़ दिया मैंने एल्काइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी ये जोड़ दिया, ये एल्काइल बेंजीन है, एल्काइल बेंजीन, बेंजीन रिंग पर एल्काइल मिथाइल, इसका नाम मिथाइल बेंजीन, क्या नाम है इसका? मिथाइल बेंजीन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है जल्दी से? टॉलिन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? टॉलिन। इसको हमने एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से हीट किया, क्या किया? एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से हीट किया, जो कि क्या है हमारा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ओए। तो क्या करेगा पता है ये क्या करेगा, इस एंटायर एल्काइल की चेन को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो डाल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है, पहले आपको एक सॉल्ट बनाना है, सी डबल ओ के, कुक सी डबल ओ के बनाना है, चाहे कितनी लंबी एल्काइल की चेन हो, सी डबल ओ के बनाना है। फिर उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करना है वाटर से, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और सीधा बना देना है सॉल्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एक तरह से फाइनली ये देख लो कि CH3 की जगह डायरेक्टली COOH आ गया, ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा COOH में। इसको जरूर बनाएंगे बीच में, सॉल्ट है ये पोटेशियम बेंजोइट, क्या नाम है इसका? पोटेशियम बेंजोइट। कोई प्रॉब्लम है था किसी को? इस तरह से नोट करें, ऐसे बढ़ा दे इसको। तो अगर मैं लेता हूं इथाइल बेंजीन, क्या लेता हूं? इथाइल बेंजीन CH2CH3, इसका नाम है इथाइल बेंजीन, इसको भी मैंने ऑक्सीडाइज किया एल्कलाइन कैमिनोफोर से, एल्कलाइन कैमिनोफोर से हीट किया, तो पूरी एंटायर चेन ऑफ एल्काइल ऑक्सीडाइज होगी COOH में। पहले ये ऑक्सीडाइज होगी COOK में, सॉल्ट में, और फिर ये आगे हाइड्रोलाइज हो जाएगी किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर आपसे पूछा गया इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, बेंजोइक एसिड है ये, बेंजोइक एसिड, तो आप इस रूट को इस्तेमाल करोगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? बता दे इसको। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक नोट करके इंपॉर्टेंट बात लिखे, वो क्या है, एल्कीन कीटोन ऑल्सो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH में ऑक्सीडाइज होंगे, कौन? एल्कीन और कीटोन। जैसे एल्काइल ऑक्सीडाइज हो रहा है ना COOH में, ऐसे एल्कीन भी और कीटोन भी ऑक्सीडाइज होंगे COOH में। जैसे हमने कुछ रिएक्शन लिए हैं, जैसे मैं ले रहा हूं एक, इसका नाम है फिनाइल इथीन, क्या नाम है इसका? फिनाइल इथीन, फिनाइल इथीन, और इसको मेरे प्यार बच्चों स्टाइरीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टाइरीन भी कहते हैं। इसमें मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाला और इसको मैंने हीट किया, विचित्र बात तो यह है कि आपको यहां पर सॉल्टी मिलेगा, क्या? COOH, COOK। फिर आपको इसको हाइड्रोलाइज कर देना है और बना देना है फटाक से, क्या? COOH। चाहे एल्कीन है ये, क्या ये एल्कीन, डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, एल्कीन भी इस तरह से ऑक्सीडाइज होगी जैसे एल्काइल ग्रुप हो रहा था पिछले उसमें दिखा रिएक्शन में, इस तरह से। अगर मेरे पास कीटोन होता, क्या होता? कीटोन, देखो उसको भी, अगर मेरे पास कीटोन है, ये देखो कीटोन है COOCH3, ये कौन सा ग्रुप आ गया? COO कीटोन आ गया, इधर एल्काइल इधर एल्काइल, कीटोन ग्रुप है बीच में।
इसको मैंने एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से हीट किया। विचित्र बात तो यह है कि यहां भी सी डबल ओके मिलेगा आपको, क्या मिलेगा सी डबल ओके। इसको हाइड्रोलाइज करोगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपको सी डबल ओ एच भी मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया चाहे एल्काइल की चेन हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे आपका कीटोन हो, सबके सब किसमें कन्वर्ट होंगे सी डबल ओ एच में, सी डबल ओ एच में, सी डबल ओ एच में। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, नोट करें इसे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसे वाला बना दें इसको। एक मेथड और है मेरे बच्चों, ध्यान देखो देवी, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, साइनाइड को हम और क्या कहते हैं नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स या साइनाइड्स के हाइड्रोलाइसिस से बना सकते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो देखो इसको भी, मेरे पास है RCN, क्या है RCN, और इसमें डाला मैंने, इसको करा मैंने एसिड हाइड्रोलाइसिस और हीट कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों सी डबल ए, ये साइनाइड ग्रुप है, ये सीधा का सीधा आर सी डबल ओ एच में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नोट करें इसे, साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही बनता, इसमें एसिडिफाइड वाटर डालकर इसको हीट कर दिया, क्या बन गया डायरेक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कोई प्रॉब्लम है तक किसी को? इसको कहते हैं हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, क्या कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कोई प्रॉब्लम है तक किसी को? अगर मेरे पास एमाइड हो, आर सी डबल ओ एच, यहां पर एन एच टू, इसको कहते हैं एमाइड, क्या कहते हैं एमाइड, इसका मैंने एसिड हाइड्रोलाइसिस कराया, ये भी आपका क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे एमाइड हो चाहे आपका साइनाइड हो, एसिड हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या बनते हैं उससे कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? ये थे हमारे आज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा मैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।